ओके चलिए अब आगे देखते हैं कि कल हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था जो कि हमने जीआर रजिस्टर से बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने दो रिकॉर्ड्स भी डाले थे, बल्कि तीन रिकॉर्ड्स डाले थे और तीन रिकॉर्ड्स इसमें ऐड हो चुके हैं। और ये हमारा टेबल का फील्ड का डिज़ाइन व्यू है, तो इसको बिल्कुल इसी हिसाब से बना लें। और फिर इसको जो है एडमिशन फॉर्म हमने यहाँ पे इसका क्रिएट किया हुआ था इस तरीके से, ठीक है। तो अब ज़रा आज हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सा और टेबल को और कैसे आसान कर लें, आसान, ठीक है, वो वाला नहीं आसान है, महेश वाली वाले नहीं, ये दूसरा वाला आसान है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप फॉर्म खोलते हैं, तो अब इस फॉर्म में ज़रा आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें डेटा हर किसी का सेम आना है, हर किसी का डेटा सेम आना है, जैसे कि जेंडर, या तो किसी का मेल आना है, फीमेल आना है, या अदर्स पर आना है, क्लास, क्लास भी हमारे पास लिमिटेड ही होगी ना, या तो कोई वन में होगा, टू में होगा, या जितना हमारा कोर्स का है इंस्पेक्शन उसमें आएगा। और देखिए लास्ट क्लास पर सेम, वो लास्ट जो क्लास पास करके आएगा तो उसी से ही हमें पता चलेगा। लास्ट स्कूल अटेंडेंट, स्कूल बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी फील्ड्स का मैं कह रहा हूँ जो सेम है और रिपीट हो रही है। मदर टंग, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, चार पांच जबाने होंगी। एड्रेस अलग हो सकता है, सिटी, सिटी बार बार रिपीट होगा और लिखना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, इमेज अलग होगा। अब ये जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमें डेटा बार बार लिखना पड़ रहा है, हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, अपने टेबल को अपडेट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, जो आपने रिकॉर्ड डाले हैं उन रिकॉर्ड को जब हम डिलीट करेंगे अपने टेबल को मॉडिफाई करके, तो उसके अंदर की डेटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा, जब हम फील्ड डिलीट करते हैं तो डेटा भी जाता है, लेकिन यही लर्निंग पॉइंट है आपका, ठीक है ना। मतलब ये आप खुद करते, फिर आपको सोचते, मुझसे पूछते, मैं खुद आपके हाथ से करवा के सही करवा रहा हूँ। ओके, आपको पता है हमारी तमाम फील्ड्स के अंदर डेटा है, और मैंने आइडेंटिफाई कर लिए वो फील्ड्स जिसमें बार बार डेटा रिपीट होता है, या तो सेम आता है या उसी में घूम फिर के आता है। तो सबसे पहली फील्ड जो है इसके हवाले से अगर हम अपना टेबल का डिजाइन व्यू खोल लें, तो वो आती है जेंडर। अब क्या करें जेंडर का, जेंडर का आप ये करें, एक और टेबल बनाएं, क्रिएट टेबल, और सेव करें इसको यहाँ से, कंट्रोल एस, और यहाँ पे इसका नाम रख दें जेंडर, और ओके कर दें। अब ये जेंडर रख दूंगा डायरेक्टली तो पता नहीं पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं TBL, शॉर्ट फॉर्म में TBL, या जेंडर TBL कर लें, GENDER जेंडर, ओके, जेनर हो गया ये, क्लोज। अच्छा, अगर नाम गलत भी हो जाए तो राइट बटन दबा के रीनेम किया जा सकता है, और यहाँ पे हम कर देते हैं जेंडर। जेंडर करने के बाद इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली वाली फील्ड को रखेंगे जेंडर आईडी, ऑटो नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। जेंडर को ऐड करा के हमने यहाँ से क्लोज कर देना। फिर उसके बाद अगली फील्ड हमने आइडेंटिफाई की थी अपने इसके अंदर जेंडर के बाद, जो बार बार इन विच क्लास एडमिटेड। अब क्लास पास और क्लास एडमिटेड एक ही जैसा मामला हो रहा होता है, तो एक स्कूल की और कॉलेज की कैपेसिटी देखनी है, तो क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हमने लिख दिया TBL क्लास, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब ये जो स्कूल है कौन कौन सी क्लासेस ऑफर करता है, डिजाइन व्यू में गए, क्लास आईडी, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास नेम, शॉर्ट टेक्स्ट पर रख के क्लोज कर दिया, ये एक और टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड थी हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखी थी डिजाइन व्यू में जाके, वो थी लास्ट क्लास पास। अब लास्ट क्लास पास भी इसी में से कवर हो जाएगा, क्योंकि जिस क्लास में एडमिशन देंगे वो उन्हीं क्लासेस में से किसी को पास करके आएगा और उसी को पास करके ग्रेजुएट हो जाएगा, तो इसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट स्कूल अटेंडेंट, अब इसके लिए भी हमें चाहिए क्लास, क्रिएट टेबल स्टार्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे TBL स्कूल, और यहाँ पे लिख के ओके कर देंगे। यहाँ से जाएंगे उसके डिजाइन व्यू में, और यहाँ से जाके स्कूल आईडी, और यहाँ पे जाके स्कूल नेम, ये हम ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ये एक स्कूल का बन गया। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, यहाँ पे देखते और उसके बाद है लास्ट स्कूल अटेंडेंट भी, भाई किसी स्कूल से पढ़कर आएगा, किसी स्कूल में जाएगा, वो भी एक ही में कवर हो जाएगा। मदर टंग मतलब लैंग्वेजेस, तो यहाँ क्रिएट करेंगे टेबल, कंट्रोल एस करेंगे, TBL लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस ओके कर देंगे। यहीं से इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज आईडी, और यहाँ पे जाके लैंग्वेज नेम, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, ओके क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास ऐसी फील्ड, तो लैंग्वेज के बाद आ गया, एड्रेस आ गया, स्ट्रीट नंबर अलग हो सकता है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस सेम होने वाले हैं सबके,
या फिर उसी में से रैंडम आएंगे, तो टेबल करेंगे, सेव करेंगे, सिटी टीवीएल टीवीएल सिटी नेम, और यहाँ पे हमने ले लिया सिटी नेम के नाम से एक टेबल ले लिया, डिजाइन व्यू में गए, सिटी आईडी यहाँ पे ले लिया और सिटी नेम उसकी फील्ड को डिफाइन कर दिया, ठीक है। और क्रिएट करेंगे यहाँ से फिर टेबल सेव, और फिर यहाँ से लेंगे टेबल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे हमने ले लिया डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट ओके कर दिया, और यहाँ पे हमने ले लिया डिजाइन व्यू में डिस्ट्रिक्ट आईडी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम ले लिया हमने, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस करता जा रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद क्या था, प्रोविंस के किस प्रोविंस से बिलोंग कर रहा है, सेव कर लिया हमने यहाँ पे टीबीएल प्रोविंस प्रोविंस, और यहाँ पे हमने इसके डिजाइन व्यू में गए और यहाँ पे जाके प्रोविंस विंस आईडी और यहाँ पे जाके प्रोविंस नेम यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे, ये सारे देखे क्रिएट हो गए। अब इन सब की ही हमें बना लेने हैं फॉर्म्स, ठीक है, ओके कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट से क्रिएट फॉर्म विजर्ड से नहीं, डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म बन जाएगा और सेव करेंगे कंट्रोल एस दबा के, इसका नाम रखेंगे एड न्यू, क्या था ये, एड न्यू सिटी, ठीक है, तो बल्कि यहाँ पे लिख देते न्यू सिटी, फॉर्म का नाम लिख रहे एड न्यू सिटी, एड न्यू सिटी, ठीक है, ओके कर दिया, ये हमारा एड न्यू सिटी का एक फॉर्म ऐड हो गया, क्लोज। दूसरा कौन सा था, क्रिएट, और यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्म, और फिर क्या करेंगे, सेव, एड न्यू क्लास, ठीक है, क्लोज, कंट्रोल एस क्लोज, क्लिक करेंगे क्रिएट और फिर करेंगे ऐसे फॉर्म सेव एड न्यू क्या है डिस्ट्रिक्ट, ओके क्लोज करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे यहां पे क्रिएट फॉर्म, कंट्रोल एस करेंगे, एड न्यू जेंडर, ओके करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, क्लोज करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे क्रिएट करेंगे फॉर्म, कंट्रोल एस, एड न्यू लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस, ओके क्रिएट सेव क्लोज, फिर क्लिक करेंगे प्रोविंस में, क्रिएट फॉर्म, कंट्रोल एस, एड न्यू प्रोविंस, ठीक है, ओके करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे, क्रिएट फॉर्म, क्रिएट कंट्रोल एस टीबीएल, एड न्यू स्कूल, ठीक है, एड न्यू स्कूल, ठीक है, सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ऑलराइट, सारे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक फॉर्म खोलेंगे और पहले उसमें हम दो बटन ऐड कराएंगे, न्यू एंड सेव के, ठीक है, कल सीखा था हमने न्यू एंड बट सेव ऐड कराना, ओके आज हम देखेंगे कि न्यू और सेव का बटन कैसे ऐड कराते हैं क्योंकि वो फंक्शनल करे। फॉर्म को जब आप मैंने कल बताया था कि ओपन करेंगे डेटा एंट्री मोड में, तो ये डेटा एंटर भी करेगा और डेटा डिस्प्ले भी करेगा। सो नाउ अब हम इसको खोलेंगे, यहाँ से राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, स्पेस ले ले, कितना लेना है, दो ग्रिड्स, ये ग्रिड्स को देख ले, एक ग्रिड दो ग्रिड, कितना स्पेस चाहिए आपको उतना स्पेस ले, पहले इन सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे अरेंजेस में, फिर यहाँ से जाके इसको करेंगे स्टैक, स्टैक ऑलरेडी है तो फिर यहाँ फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट जाके इसका एक सेट करेंगे, सपोज 16, और फिर यहाँ से बाकी फॉन्ट का साइज वगैरह सेट रहने देंगे, और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है यहाँ से तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको बड़ा करने की जरूरत है क्योंकि ये इतना ही काफी है, तो यहाँ से इसको डिफॉल्ट पे रहने दें, बाद में फिर इसको देखते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और सॉरी फॉर्मेट फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ आपको कमेंट बटन मिलने वाला है, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, यहाँ पर से आप लेंगे रिकॉर्ड ऑपरेशन, यहाँ से आप कहेंगे एड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कहेंगे न्यू और यहाँ से कहेंगे फिनिश, वंस अगेन कमांड क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑपरेशन लेंगे सेव रिकॉर्ड का, नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ से फिनिश करेंगे, ठीक है, दोनों हो गए, सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद दोनों बटन्स को आपने सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाना है, यहाँ से क्लिक करना है और फॉन्ट 18 पर रख लें ताकि थोड़े बटन नजर आए, अरेंजेस में जाना है और इसको साइज में जाके कहना है टू फिट, तो ये इस हिसाब से फिट हो जाएंगे, फिर दोनों को एक साथ अरेंज करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है अरेंजेस में अलाइन में और इसको कर देना है टॉप अलाइन कर दें या बॉटम अलाइन करें, देखिए ग्रिड के नीचे रखना है ऊपर रखना है वो देख लें, और यहाँ से क्लिक करके बॉटम करना है तो बॉटम अलाइन कर लें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, साइज में आना है और यहाँ पे इंक्रीज हॉरिजॉन्टल, इनके स्पेस को यहाँ से मेंटेन कर देना है, इक्वलाइज वर्टिकली है और यहाँ पर आ रहा होगा इक्वलाइज हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों बटन इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे। बटन को मजीद बड़ा करना है और एक साथ बड़ा करना है, दोनों बटन को सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ से आप जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से फॉर्म डिजाइन में, फॉर्म डिजाइन में जाने के बाद जाएंगे प्रॉपर्टी शीट्स में। यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलने वाली है इसके हवाले से, जो होगी विड्थ की एंट्री। एंट्री में आपने लिखना है वन, वन डिफाइन करेगा सेंटीमीटर को। अब आपने लिखना है वन इंच, तो वन आई एन लिख के एंटर करना है। तो ये मैंने सॉरी हाइट में लिख दिया इसके, आपने लिखना है विड्थ में वन आई एन एंटर, तो ये वन इंच हो गया। और अगर बड़ा करना है टू आई एन इंच, हाइट में नहीं लिखना विड्थ में लिखना है, तो विड्थ यहाँ पे आ रही है टू आई एन इंच। तो ये देखिए इतना बड़े हो गए। दोनों को सेलेक्ट कर लें, फिर अरेंजेस में जाइए और यहाँ से जाके इसको कीजिए ठीक है, इक्वलाइज कर दें। तो ये दोनों बटन ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। थोड़ा स्पेस देना, तो पहले थोड़ा सा इसको आगे कर दें, ये इस तरह से नजर आएगा और ये बटन आपको ऐसे क्रिएट होकर नजर आ जाएंगे। अच्छा, इसको अगर ग्रिड्स के ऊपर मेंटेन करना है सबको, तो फिर थोड़ा और आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे। इस तरह के दो बटन क्रिएट करके आपने सेव कर देने, ठीक है। ये काम आपने कर लिया, क्लोज कर देते हैं। एक पे करके बता रहा हूँ, बाकी तो फिर आप खुद ही कर लेंगे सारे उसके ऊपर। यहाँ से करेंगे एड न्यू सिटी पे। अब यहाँ पर हम सिटी रैम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि ये जब आप डिजाइन व्यू में गए थे और ये जो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो इसको लेआउट में लेके जाए। लेआउट में ले जाने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से थोड़ा सा साइज को एक्सपेंड करें, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, इनके नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज टू बी इसका नाम सिटी आईडी है, चलो वो रहने दो, सिटी लिख दो खाली यहाँ पे, चेंज कर दो ताकि थोड़ा अपडेट हो जाए, बेहतर नजर आए। ये काम हमने किया था लेआउट में जाके, ठीक है। लेआउट और डिजाइन व्यू दोनों में हम डेटा एंटर नहीं कर सकते, ना ही डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। लेआउट में लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं और डिजाइन में उसको मजीद मॉडिफाई करके बटन वगैरह ऐड करा सकते हैं। ओपन कर लें इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है टेबल सिटी नेम। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ पे ऐड करना है, राइट बटन दबाना है, डिजाइन व्यू में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। टेबल सिटी नेम है तो यहाँ पे हम कहेंगे सिटीज, ठीक है ना, एड न्यू सिटीज, एड न्यू सिटी फॉर्म, ठीक है। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस को यू मेंटेन कर ले, नीचे चले जाए, सेलेक्ट कर ले, फॉर्मेट में चले जाए, फॉन्ट को यहाँ से बढ़ा ले, बोल्ड कर दे, सेंटर कर दे, 22 का फॉन्ट रख रहा हूँ मैं, ठीक है। सेव कर दे, क्लोज कर दे यहाँ से। और अब देखिए आपका डेटा कुछ बेहतर तरीके से नजर आ रहा होगा। ये वाली फील्ड थोड़ी छोटी रह गई है, दोबारा से क्लोज करें, राइट बटन दबाएं, लेआउट में जाए, यहाँ पे क्लिक करके शायद इसका फॉन्ट बढ़ा हुआ है, बड़ा तो हुआ है लेकिन ये थोड़ा फील्ड बड़ी नहीं हुई, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से और बड़ा कर ले ताकि ये और बेहतर तरीके से नजर आए। और इन दोनों को थोड़ा मूव करने के लिए फिर आपको दोबारा इसको ले जाना होगा डिजाइन व्यू में और यहाँ पे ले जाके इनको थोड़ा सा नीचे करना होगा थर्ड सेक्शन पर, ठीक है, तीसरे ग्रिड पर ले जाए। यहाँ पे सेव कर दें, कंट्रोल एस कर दें, क्लोज कर दें, एड न्यू पे क्लिक करें, तो ये देखिए बेहतर नजर आ रहा है। इसका फायदा क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे क्लिक किया आपने, सिटी ऐड कराया शहदादपुर, सेव न्यू टंडो आदम, सेव, ठीक है, न्यू सांगढ़, सेव न्यू हैदराबाद, सेव न्यू सिंजोरो, सेव न्यू झोल, सेव न्यू और हाला, सेव, कंट्रोल एस, क्लोज करें से बाहर आ जाए। ओके, अब क्लोज करने के लिए बार बार वहां क्लिक करना पड़ता है, तो राइट बटन दबाए, डिजाइन व्यू में जाए, देखें कि इस तरह का कोई बटन है जो आपको क्लोज करने की फैसिलिटी भी देता हो, तो बटन पे क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करें। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन आ रहा था, रिकॉर्ड ऑपरेशन में एड न्यू सेव वगैरह के बटन है। फॉर्म ऑपरेशंस में आए, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा क्लोज, और क्लोज के बटन पे क्लिक करके क्लोज फॉर्म पे नेक्स्ट करें और यहाँ से क्लिक करें और इसका नाम रख दें क्लोज, ठीक है, और यहाँ से इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करके फिनिश करें। इस बटन का थोड़ा फॉर्मेट उसी जैसा रखना है या थोड़ा डिफरेंट रखना है, आई सजेस्ट कि इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं और इसको हम उठा के इस सेक्शन में यहाँ रखें, नहीं यहाँ बुरा लगेगा, यही रखते हैं। और यहाँ से देखें, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अरेंजेस में नहीं फॉर्म डिजाइन में जाके प्रॉपर्टी यहाँ मिलने वाली है, तो यहाँ पे इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसको चकोर बटन बनाते हैं। तो इसको हम करते हैं वन इंच वाइडेस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसको अंदर लेते हैं पहले, यहाँ पे वन इंच वाइडेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक किया वन आई एन, और हाइट में भी इसको कर देते हैं वन आई एन, तो वन आई एन 2.5%। ये देखिए एक बटन हमने बना लिया इसके ऊपर क्लोज टाइप का, और इसको उठा के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से नजर आने वाला है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, बटन का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट इसका फॉर्मेट जो है हम इसका यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, इस तरह का बटन कर देते हैं, और फॉन्ट इसका बढ़ा के यहाँ से हम कर देते हैं इस तरह का, बोल्ड कर देते हैं ये, ताकि ऐसे नजर आए।
तो यूजर का एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव रहेगा। नेक्स्ट क्लोज, सही है। देखिए फॉर्म खोला और इसे क्लोज कर दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा अभी हम बताते हैं आपको। अब यही सारे काम आपको इन सारे फॉर्म्स पे करने हैं, तो टाइम तो लगेगा लेकिन काम हो जाएगा, ठीक है ना। इस काम पे भी, इस पे भी यही करना है अपने काम। तो यहाँ पर ठीक है ना, काम तो बड़ा है लेकिन करना पड़ेगा, जब भी जाके सारे मामला होंगे, ठीक है। अब एक दफा थीम पता चल गई ना, तो आप इसको जल्दी जल्दी कर ले। पहले आप इसका लेआउट खोलें, फिर इसको क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से फॉर्मेट में जाएं, इसको 16 पे सेट करें, ठीक है। एडजस्ट हो गया ये, यहाँ पर क्लास नेम में सिर्फ क्लास लिख दें ताकि वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए। टेक्स्ट एडजस्ट हो गया, सेव कर लें। ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लास आईडी रहने दें इसको, ठीक है। राइट बटन दबाएं, फिर यहीं से दोबारा से इसके ऊपर डिजाइन व्यू में चले जाएं। अब डिजाइन व्यू में जाने के बाद आप क्या करें कि यहाँ से इसको सबसे पहले ऊपर से काम शुरू करें, एड न्यू क्लास, ठीक है, एड न्यू क्लास फॉर्म, ठीक है। टाइप करें, क्लिक करें, फॉन्ट इसका हमने क्या डिसाइड किया था, 22 डिसाइड किया था, 22 पे सेट करें, थोड़ा स्पेस लें, बोल्ड करें, सेंटर करें, ये देखें यहाँ पे आ गया एड न्यू क्लास। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस लें, यहाँ से नीचे ले लें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमने ग्रिड के लिए एक स्पेस ले लिया, नीचे हमारे पास स्पेस आ गया। सेव करें, कहाँ जाना था, ऑरेंजेस में नहीं, फॉर्म डिजाइन में बटन लेना था, क्लिक करना था, एक रिकॉर्ड ऑपरेशन से बटन लेना था, एड न्यू का क्लिक करना था, नेक्स्ट यहाँ क्लिक करना था, इसका नाम रखना था न्यू, और उसके बाद करना था इसको फिनिश। उसके बाद क्लिक करना था बटन पे, क्लिक करना था यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन पर आएंगे, फिर एड न्यू पे क्लिक करना था, सेव, सेव पर क्लिक करना था, नेक्स्ट करना था। अगर कभी गलती हो जाए डिलीट कर दे बटन को, दोबारा से बना ले, सेव करें, फिनिश करें। फिर एक बटन बनाना था क्लिक करके यहाँ से, और उसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाना था, और अब उसका बनाना था फॉर्म ऑपरेशंस, और उसमें से लेना था क्लोज, नेक्स्ट कर दे, ऑप्शन में जाके लिखना था क्लोज, ठीक है, फ्रेश करना था, ठीक है। तीनों बटन्स क्रिएट हो गए, पहले तीनों बटन्स को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट साइज सेट करना था 22 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया था, रेंजेस में जाके इनको करना था टू फिट, और फिर उसके बाद इनको करना था अलाइन टॉप बॉटम व्हाटएवर जो भी चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, इनकी विड्थ को एडजस्ट करना था। तो पहले इस वाले बटन को अलग कर लेते हैं यहाँ पे रख के, और इसकी विड्थ को हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये कहाँ से खोलना बताया था आपको, फॉर्मेट में जाके, अरेंजेस में जाके, प्रॉपर्टीज यहाँ से खोलेंगे, और क्लिक करके यहाँ से इसमें हमने जाना है, और इसकी विड्थ को 1 IN, और इसकी जो हाइट है 1 IN, उसका उस पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद जब ये एडजस्ट हो जाए, उसको यहाँ रखना है एडजस्ट करके, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करना है, विड्थ पे क्लिक करना है, इसको रखना है 2 IN पे, 2 IN पे जब हो जाए दोनों को सिलेक्ट करके, फिर जाना है यहाँ पे, इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, सिलेक्ट करना है इसको, सिलेक्ट करके इसको फॉर्म डिजाइन में नहीं, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देना है। स्पेस देना है तो अगर थोड़ा सा ऐसे करके बीच में गैप दे दें, डिसाइड कर ले, 1-2 गैप दे दें, ठीक है। तो क्यों के गैप देंगे इसको, इस तरह से सेट कर दें, कंट्रोल एस कर दें, क्लोज कर दें इस फॉर्म को। अब एड न्यू क्लास करें, आप क्लासेस इसके अंदर ऐड करा लें। सपोज टू बी ये जो स्कूल है, ये क्लासेस ऑफर करता है नर्सरी से सेव न्यू KG, सेव न्यू KG1, सेव न्यू KG2, सेव न्यू और यहाँ से KG3, सेव न्यू और फिर 1, ठीक है, सेव न्यू 2, सेव न्यू 3, सेव न्यू 4, सेव न्यू 5, सेव न्यू 6, सेव न्यू 7, सेव न्यू 8, 9th, 10th, सेव, ठीक है। तो यहां से ये क्लासेस जो इसने ऑफर करी है हमने ऐड करा दी, ठीक है। तो ये देखिए सारा का सारा मामला हमने इस तरह से, आपने ये सारा का सारा करना है, ठीक है ना। तो ये सारा काम कर ले, फिर इंशाल्लाह आगे बताएंगे इसके अंदर और आपको क्या करना है। लेकिन ये करने के बाद देखें, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का लुक आपके एप्लीकेशन में आने वाला है।
और फिर जब इन सबको अरेंज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेट हो जाएगा, रिकॉर्ड एड कर रहे होंगे, डेटा कम लिखना पड़ेगा, ऑटोमेट ज्यादा हो रहा होगा।